वाराणसी के टैगोर टाउन की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना सिंह अपने घर की छत से खुद गिरी थी। उन्हें किसी और ने धक्का देकर या किसी अन्य तरीके से छत से जमीन पर नहीं गिराया था। डॉक्टर रीना की मौत का क्राइम सीन रीटेक करने आई फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और मेडिकल लीगल टीम ने यह रिपोर्ट SSP को सौंपी है। अब पुलिस को डॉक्टर रीना के सुसाइड नोट की जांच का देर है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। टैगोर टाउन निवासी डॉक्टर आलोक सिंह की पत्नी डॉक्टर रीना की बीती 2 जुलाई को संदिग्ध हालत में छत से जमीन पर गिरने के कारण मौत हो गई थी। डॉक्टर रीना के पिता रंगनाथ सिंह की तहरीर पर डॉक्टर आलोक और उनके माँ बाप के खिलाफ कैंट थाने में हत्या सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 25 जुलाई को नाटकीय घटनाक्रम के बीच डॉक्टर आलोक को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि उन्हें मां बाप अभी भी वांछित हैं। इस बीच रंगनाथ सिंह के प्रार्थना पत्र पर SSP ने प्रकरण जांच के लिए FSL और मेडिकल लीगल टीम को 18 जुलाई को बुलाकर क्राइम सीन रिटेक कराया। इसके साथ ही डॉक्टर रीना के कमरे से मिले सुसाइड नोट को जांच के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा गया था। डॉक्टर रीना की हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद डॉक्टर आलोक 23 दिन तक गायब रहे थे। डॉक्टर आलोक की गिरफ्तारी के लिए बनारस और लखनऊ में प्रदर्शन भी हुए थे। रंगनाथ सिंह का आरोप था कि डॉक्टर आलोक एक राजनेता के करीबी और ISMP सिंह के साले हैं, इस वजह से पुलिस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। SSP आनंद कुलकर्णी ने बताया कि क्राइम सीन रिटेक करने आई टीम की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रीना छत से खुद गिरी थी। मुकदमे की विवेचना जारी है। सामने आए तत्वों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। डॉक्टर रीना के पिता रंगनाथ सिंह द्वारा कैंट थाने में दर्ज कराए गए हत्या के मुकदमे में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना चौबे ने SSP से मांगी है। बुधवार को सर्किट हाउस में रंगनाथ सिंह ने मीना चौबे से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि उनकी बेटी के मामले में पुलिस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाए।